नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एमपी में बनेगा खनिज सीमेंट कॉरिडोर, केंद्रीय करों से 6500 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने गतिशील योजना के तहत 3 प्रमुख इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर का ऐलान किया है। इनमें से ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर का बड़ा भाग मध्य प्रदेश के हिस्से में आया है। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने का ऐलान किया गया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा मध्य प्रदेश को होगा। केंद्रीय करों में भी मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ी है। मध्य प्रदेश को 6500 करोड़ अतिरिक्त रुपए मिलने की संभावना है। साथ ही रेलवे के विस्तार और स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। मोदी सरकार के आखिरी बजट में मध्य प्रदेश को क्या फायदा मिला है? इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर से एमपी को फायदा। राज्य वित्त विभाग के अफसरों के मुताबिक मध्य प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन ज्यादा होता है, इसी तरह मिनरल रिसोर्स भी अधिक है। इस कॉरिडोर के बनने से कृषि खाद प्रसंस्करण MSME को प्रोत्साहन मिलेगा और मध्य प्रदेश को बड़ा आर्थिक लाभ होगा। इस कॉरिडोर के बनने से माल ढुलाई में 10% की वृद्धि के साथ मालगाड़ियों की रफ्तार में भी इजाफा होगा। इसके अलावा 2 पोर्ट कनेक्टिविटी और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है। क्या है पीएम गति शक्ति योजना? यह योजना 2021 में लॉन्च की गई। इसका मकसद देश में चल रहे प्रोजेक्ट्स की लागत और समय कम करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना है। इस योजना के तहत 16 मंत्रालय के विभागों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। सड़क, रेल, तेल और गैस मंत्रालयों के प्रोजेक्ट को इसमें शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में 900 करोड़ की लागत से 80 अमृत स्टेशन। केंद्रीय बजट में इस बार मध्य प्रदेश में रेल विस्तार और स्टेशन के आधुनिकीकरण पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के विस्तार के लिए मध्य प्रदेश के लिए 15,143 करोड़ बजट का प्रावधान किया है। अमृत भारत योजना के तहत प्रदेश के 80 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इसके लिए 900 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। बजट पेश होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि साल 2023-24 में मध्य प्रदेश में 700 किलोमीटर से ज्यादा नए रेलवे ट्रैक बनाए गए और 68 किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में 77,000 करोड़ की लागत से 5,000 किलोमीटर से ज्यादा के नए रेलवे ट्रैक बनाए जाएंगे। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।